नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। जी हां, तो 23 तारीख आ चुकी है और मतगणना शुरू हो चुकी है। आज उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई, जिसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी सामने आ रही है वो भाजपा दिख रही है। आपको बता दें कि 11 बज चुके हैं और जो सबसे अधिक सीटें पाती हुई पार्टी नजर आ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में बीजेपी को इस बार 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ दिख रहा है। क्या है पूरा समीकरण और क्या कांग्रेस इस बार उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल पाएगी, इस पर विशेष रिपोर्ट हमने तैयार करी है, देखिए इस खास वीडियो में। उत्तराखंड में पिछले यानी कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। वहीं 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बता दें कि राज्य की सभी सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें कांग्रेस से छीन ली थी और अपनी एक सीट बरकरार रखी थी। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जीते थे। हरिद्वार में हरीश रावत की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी रेणुका रावत बीजेपी के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से हार गई थी। पौड़ी में जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने जीत हासिल की थी। वहीं टिहरी में बीजेपी की माला राज लक्ष्मी शाह और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी से अजय टमटा जीते थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने चुनावी प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा के अजय भट्ट आगे हैं, तो वहीं टिहरी गढ़वाल सीट पे बसपा उम्मीदवार सत्यपाल आगे हैं। हरिद्वार की बात की जाए तो भाजपा में रमेश पोखरियाल निशंक आगे चल रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से भाजपा के तीरथ सिंह रावत आगे हैं। उत्तराखंड में आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई। देश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को मतगणना के बाद आशंकाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों में एक अलर्ट जारी किया था। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को और पुलिस निदेशकों को यह अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक सद्भाव बरकरार रखा जाए। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 4 अनारक्षित हैं और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस राज्य में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। इसके अलावा एक एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकित किया जाता है। राज्य में कुल 77,17,126 मतदाता हैं। राज्य में साल 2017 में हुए चुनावों के बाद वर्तमान विधानसभा में 57 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।